नमो बुद्धाय। सत्पुरुष भावता के बारे में हम आपको अभी बता देंगे। ये सत्पुरुषता बहुत ही कीमती है। पूरा दुनिया अपमान करेगा तब भी कोई मतलब नहीं है, अगर सत्पुरुष है तो। पूरा दुनिया अपमान करेगा तब भी आप बिना डर के सत्पुरुष बन जाइए। पूरा दुनिया इज्जत सत्कार सम्मान करेगा तब भी कोई मतलब नहीं, अगर असत्पुरुष है तो। इसलिए हम लोगों को कल्याण के लिए नहीं, हम लोग का कल्याण को मिटाने के लिए असत्पुरुष मत बन जाए, कल्याण को मिटाने वाले असत्पुरुष। कोई कोई लोग क्या करता है, इज्जत सम्मान गौरव को पाने के लिए नीच इच्छाओं के साथ असत्पुरुष बन जाता है। ऐसा कभी मत हो जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा दुनिया इज्जत करेगा था भी उसी इज्जत से कभी भी हम लोग दुख से मुक्त नहीं होते हैं। पूरा दुनिया अपमान करेगा तब भी अगर हम लोग दुख से मुक्त होने का मार्ग पे हैं तो। दुख से मुक्त होने का मार्ग मिटा सकता है क्या? पूरा दुनिया अपमान करेगा तब भी नहीं मिट जाता है, क्योंकि बाकी लोग अपमान करने पर हमारा विमुक्ति का मार्ग मिटता नहीं है। इसीलिए हम लोग के लिए जो खतरा है, कल्याण नहीं है, हमारा अच्छाई को मिटाता है, वैसा गौरव सत्कार को कभी आशा मत कीजिए, वो कोई मतलब का नहीं है। जब तक हम लोग इज्जत को गौरव को आशा करते रहते हैं तब तक हम लोग और किसी को सिर झुकाते नहीं हैं और किसी के सामने सर झुकाते नहीं हैं। इतना ही खतरनाक स्वभाव से ये मन गिर जाता है। इसलिए ऐसे होने का कारण क्या है? एक फालतू चीज आशा करने के कारण। फालतू चीज क्या है? दुनिया के सामने इज्जत सत्कार सम्मान पाना। अगर जो व्यक्ति आशा करेगा तो समाज के सामने इज्जत गौरव सत्कार को पाने के लिए वो ऐसा कल्पना करते हैं, कैसे? दोनों तरफ अच्छे से पजाया हुआ चाकू को निगलने के लिए कोशिश करना जैसा। निकाल पाएगा अंदर? वैसा है दूसरों से इज्जत सत्कार सम्मान को पाने के लिए कोशिश करने वाले लोग को, ऐसे ही हो जाता है। तथागत भगवान बुद्ध की ये ज्ञान किसके लिए होता है? तथागत भगवान बुद्ध किसी लिए जन्म लेते हैं? तथागत भगवान बुद्ध अपना ज्ञान से क्या बताते हैं? तथा आर्य महासंघ किसके लिए होता है? शासन मतलब क्या है? ये सब कुछ हम लोग सोच के समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ ये त्रिविध रत्न किसके लिए है? ये सारे चीज जाति जरा व्याधि मरण इत्यादि सारे दुखों से मुक्त होने के लिए ही होता है। ये सारे चीज राग द्वेष मोह को मिटाने के लिए ही होता है। अगर ये जन्म दुख है उसी प्रकार मनन करेंगे तो उसका मन में आता है ये दुख सहित ये जीवन को, ये सांसारिक दुख सहित जीवन को समाज से मिलने का इज्जत का मतलब क्या है? बेकार है। अगर ये बीमार होना दुख है इसी प्रकार मनन करेंगे तो ये मरने दम तक बीमार पड़ने वाले हमको समाज से मिलने वाले इज्जत सत्कार सम्मान का मतलब क्या है? उसी प्रकार समझ सकता है।
बूढ़ा होना दुख है उसी प्रकार मनन करेंगे तो कैसे बूढ़ा होते हैं। तो बूढ़ा होने वाले हम लोगों को ये समाज से मिलने वाली इज्जत सत्कार सम्मान का मतलब क्या है ऐसा सोचना चाहिए। तथा ये भी दुख है कि सारे लोग मर जाते हैं, ये मृत्यु से बचने के लिए कोशिश करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए यानी कि विमुक्ति है ना, मृत्यु से बचने के लिए कोशिश करने वाले लोग मृत्यु के सामने डरते रहने वाले ये जीवन को इज्जत सत्कार सम्मान का क्या मतलब है। प्रिय लोग से विदा होना दुख है, प्रिय लोग से विदा होना दुख है तो प्रिय लोग से विदा होने के कारण रो रो के दुख सहन करते करते आंसू बहाते हुए रहने वाले लोगों को ये इज्जत सत्कार सम्मान का मतलब क्या है। अप्रिय लोग से मुलाकात होना संग होना दुख है, अप्रिय लोग से संग होकर के लोग रोते रोते रहते हैं चिंता करते हैं ऐसा दुनिया में ये इज्जत सत्कार सम्मान का मतलब क्या है। पूरा दुनिया इज्जत सत्कार सम्मान करेगा तब भी दुख से मुक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये समझ में आना चाहिए। ये इज्जत गौरव एक फालतू चीज है, कोई कीमत इस पे नहीं है। अपना जीवन का सच्चाई को समझने वाले, अपने को भविष्य में मिलने वाले दुख संकट को समझने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक चीज मन में आ जाता है, हम कब ये सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पूरा दुनिया इज्जत करेगा तब भी, उसी इज्जत को हम लोग भी इज्जत करते हैं, लेकिन उसी इज्जत को कभी हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसा है तो इज्जत मिल गया तो मिल गया, मिल जाएगा, उस पर उपादान नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग अच्छा बोल दिया वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो जानता है ये सब को फालतू है खाली है, ऐसा समझने का तो कभी प्रार्थना करता है दूसरों से इज्जत सत्कार सम्मान कभी नहीं प्रार्थना करता है। इसी प्रकार मनन करी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो कौन सा व्यक्ति कौन से लोग इज्जत सत्कार सम्मान कीमती जैसा समझ के रहते हैं, जिसको अपना जीवन के बारे में एकमात्र मालूम नहीं है, तथागत की सत्य ज्ञान के बारे में एक बूंदा जानकारी नहीं है, जिनका दिल में कोई श्रद्धा एकमात्र नहीं है, उसको ये इज्जत सत्कार सम्मान बहुत कीमती है, जरूरी है हमेशा। इसलिए बहुत सारे टीचर लोग, मम्मी पापा लोग, टीचर लोग क्यों पढ़ाते बच्चे लोग मन लगा के, भविष्य में बच्चा मेरा नाम लेगा, रास्ता में जाते इसमें हम लोग इज्जत करेगा, कितना नीच है ना, क्योंकि उन लोग के पास अपना जीवन के बारे में कोई सच्चाई नहीं है। कितना हम लोग इज्जत पा लिया जन्म जन्म में, अनगिनत इज्जत पा लिए हैं, बेइज्जती भी हो गए हैं हम लोग करोड़ों वाले लड़की बन करके, कितना मुन्ने जैसे बदनाम हो गया होगा, कितना बार हम लोग लड़का बन के बदनाम हो गया होगा मुन्ना जैसा, फिर भी अभी तक हम लोग चल रहा है। ऐसा फालतू जीवन में इज्जत सत्कार सम्मान का कोई मतलब नहीं। समाज से मिलने वाली, गुरु लोग से मिलने वाली इज्जत अलग बात है, वो कल्याण मित्र की इज्जत बहुत ज़रूरी है। वो कल्याण मित्र की इज्जत मिलता है अनुशासित होने से, मार्ग पे जाने से। इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा आशा की एक चीज, उनके शिष्य लोग सारे दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसा जीवन को हम लोग अपनाना चाहिए।
हम लोग ये सारे दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करना चाहेंगे तो हम लोग को दुख के बारे में समझना चाहिए। इसीलिए दुख समझने के लिए दुख को मनन करना चाहिए, याद करना चाहिए, दुख के बारे में सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब हम लोगों को ये सारे दुख दोमना सारे तकलीफ इतना भरा हुआ है, ये सांसारिक दुख हमेशा हम लोग को जीवन में इधर उधर ले जा कर के फंसा देते हैं। इसी प्रकार मनन करके वो दुख में फंसने के लिए कोशिश नहीं करते, दुख से मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा मनन करने वाले व्यक्ति वो फालतू दुनिया से मुक्त है, फालतू प्रार्थना से मुक्त है, वो सत्पुरुष बन जाता है। वो दुख से मुक्त होने के लिए अगर एकमात्र उपकार मिल गया तो वो छोटा सा उपकार बहुत बड़ा बादल जैसा, आसमान जैसा मानते हैं। छोटा उपदेश मिल गया तब भी वो सत्पुरुष, छोटा सा भी उपदेश मिल गया तो उसी उपदेश को बहुत गौरव से स्वीकार करते हैं तथा वो बहुत गौरव से वो अनुशासन को मनन करते हैं। वो व्यक्ति कुछ समय में बहुत बलवान व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन असत पुरुष कैसा है, कुछ समय में अपने को मिलने वाले सारे अच्छाई को खत्म कर देते हैं। सत्पुरुष कैसा है, कोई भी आशा नहीं रखता है लेकिन मिलते रहेगा बहुत सारे चीज। असत पुरुष हमेशा प्रार्थना करते करते जाता है लेकिन मिलता नहीं। हमारे जान पहचान में आप लोग सब जानते हैं, एक आदमी था, वो बहुत कोशिश किया है मीडिया में प्रवचन देने के लिए, मीडिया में आने के लिए, फेमस होने के लिए। वो भारत के हो सकता है या तो श्रीलंका में भी हो सकता है। तो बहुत प्रयास किया, अंत में खुद अपमान हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसी जगह पे उनका मन आ गया है। तो वैसे ही हम लोग अगर इज्जत सत्कार सम्मान के पीछे जाएगा तो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के पीछे जाने वाले लोग कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा गिरते जाता है। हम लोग ऐसा लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के पीछे भागना नहीं चाहिए। हम लोग अपना रास्ता पर रहने से हम लोग के पीछे भाग भाग के आ जाएगा, फिर भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करना जरूरत नहीं है। खुश रहो, कल्याण मंगल अभी जाओ, क्योंकि जितना फेमस होता है उतना ही संकट है। इसीलिए असत पुरुष लोग वो ऐसा फेमस होने में, प्रसिद्ध होने में और लाभ सत्कार की प्रशंसा मिलेगा तो उस पे बहुत प्रयास करते हैं, अपने नाम को सुरक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन सत्पुरुष लोग अपना नाम को एक पेकाना जैसा ही मानते हैं, अपना इज्जत को एक गू जैसा मानते हैं, मिलने वाली इज्जत सत्कार सम्मान को मूत्र जैसा मानते हैं, कोई इज्जत नहीं करता है। अब हम लोग पेशाब करने का तो उसको लोटा मिला करके नमन करते हैं, अरे मेरा पेशाब साध साध, ऐसे पीछे करके गू उठा के ला करके, अरे मेरा टॉयलेट, ऐसे करके नमन करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग को दूर से दूर कम से कम पेकाना करते हैं, ऐसे करके देखता भी नहीं है क्या कालिया ऐसे बदबू मारता है, तो हम लोग को हम लोग के बारे में घृणा होता है, क्या क्या कहा के आके बैठ गया। लेकिन वो ऐसे ही हो जाता है, सत्पुरुष लोग इज्जत सत्कार सम्मान लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा ये सब कुछ एक पेकाना जैसा ही मानता है, इतना उससे हट हट के रहने के लिए कोशिश करते हैं। फिर भी उन लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाता है सत्पुरुष लोग, लेकिन असत्पुरुष लोग
वो लाभ सत्कार के पीछे पीछे भागते भागते फिर उल्टा लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के चलते ही वो खत्म हो जाता है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा सब कुछ उत्पन्न हो जाते, नफरत वायर क्रोध, उसी में भाई भाई, ये बहन ये माँ है, ये दोस्त है, कल्याण मित्र है, गुरु है, ये भगवान बुद्ध है, कुछ नहीं समझौता कुछ नहीं है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध जिस प्रकार हम लोगों को दिखाया उसी प्रकार हम लोग उनका आर्य सत्य को मनन करके समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। आर्य सत्य को अवबोध करके सारे दुखों से मुक्त होने के लिए मेहनत करने से ही ये धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए दुख के बारे में मनन करिए, बीमार होने के बारे में मनन करिए, बुढ़ापा के बारे में मनन करिए, मृत्यु के बारे में मनन करिए इत्यादि। हमारे जीवन जितना दुख तकलीफ मिलता है वो सारे दुख तकलीफ तथागत भगवान बुद्ध दिखाया बताया उसी प्रकार मनन करके समझने के लिए कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध बताए जन्म लेना दुख है, कोई भी दुख संकट आ गया तुरंत मनन मन में आना चाहिए क्या? तथागत भगवान बुद्ध ने बताया जन्म लेना दुख है। अगर कोई भी हम लोग बीमार पड़ गया तो तथागत भगवान बुद्ध ने सही कहा बीमार पड़ना दुख है। प्रियलोक से विदा हो गया तो तथागत भगवान बुद्ध ने सही कहा प्रियलोक से विदा होना दुख है। इसी प्रकार मनन करने से तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। जन्म लेने में मन नहीं लगता है, दुख को मिटाने के लिए मन लगता है, तो सत्पुरुष है असत्पुरुष नहीं है। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार सत्पुरुष बनने का भाग्य मिल जाए।